आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे एकदम बेसिक लेवल से। अगर आपको नहीं समझ में आता होगा 100% इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत देखिए, प्रतिशत मतलब ये जो प्रतिशत लिखा है इसके मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रतिशत, अब प्रतिशत मतलब प्रत्येक, प्रति माने तो क्या होता है प्रत्येक, और शत माने क्या होता है 100, यानी कि जो प्रत्येक चीज होगा वो कितना होगा 100%। जैसे ये 8 लिखा ना, ये 8/100 करेंगे, ये परसेंट लिखा ना, एक परसेंट मतलब बटे 100 रहेगा, याद रखिएगा। तो प्रति माने प्रत्येक और सत माने 100, यानी कि कोई भी चीज है, मान लीजिए 6 रुपया ये दाम, मार्कर का दाम 35 रुपया है, तो क्या परसेंट है 100% है। तो सत माने क्या होता है 100%, ये चीज याद रखिएगा। तो प्रत्येक माने 100 और सत माने 100%। अब देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा अब जैसे 13% है तो 13/100 हो जाएगा। कोई भी किसी का अगर सीपी हो, क्रय मूल्य हो, तो कितना परसेंट होता है 100%। जैसे घड़ी के 2000 मूल्य है तो कितना है ये 100% है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे दिया है 400 का 24%, तो हमको कुछ नहीं करना है भैया, 400 लिख दो, ठीक है, फिर गुणे लिखो, ये 24 है तो 24 लिख लो, अब बटे क्या करो 100 कर दो, 100 कर दिया, ठीक है। अब देखो 100 से 10 काटो, फिर 100 से 10 काटो, तो ऊपर क्या बचा 24 6 96, तो हमारा कितना हो गया 96 रुपया, यानी 400 का 24% कितना होगा 96 रुपया। इसको भी ऐसे निकाल लेते हैं, लिखो 675, ठीक है, गुणे 8, और बटे में कितना ले सकते हो 100। अब देखो, अब ये आ गया, अब इसको चाहे तो आप सीधे इसका इसका गुणा करके इसमें भाग दे तो आ जाएगा, या तो आप काटो। तो क्या करता है, देखिए यहां संख्या लास्ट 5 दिख रही है तो हम 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटो, 20 25 100, इसको 5 से काटो, 5 1 5 हुआ, 1 बचा 5 3 15, 2 बचा 5 25, ये कट गया, फिर 5 से काटो, 5 4 20 हो गया, और 5 2 10, 3 बचा 5 7 35, कट गया 27 बचा। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, अब कटे, ये भी कट जाएगा, 4 कम 4 4 2 8, ठीक है। तो ऊपर के 27 गुणे 2, तो 27 गुणे 2 27 2 54, यानी कि 675 का 8% कितना होता है 54 होता है, याद रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में मैंने पॉइंट ले लिया, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1000 का 17.75%, तो कुछ नहीं करना है, 1000 है ना भैया, 1000 को हम लिख लेते हैं, गुणे 17.5 को भी लिख लेते हैं, अब भैया 17.5 को चेंज करके कितना लिखेंगे 100 लिख लेते हैं, काटेंगे 10 से 10 में 17.5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 175 होगा, 17.5 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 पॉइंट हट जाएगा, ये 0 से 1 पॉइंट हट गया तो कितना हुआ 175 रुपए, यानी कि 1000 का 17.5% कितना हुआ 175 रुपया। देखिए अगर मैं कहूं 250 का 13%, तो 250 का 13% कुछ नहीं करना भैया, हमें पता है 13% लिखा ना, तो एकरे मतलब भाई जो एकरे मतलब क्या होता है 100, तो 100 लिखो, ये परसेंट हटा के नीचे 100 कर लो, तो लिख लो 250 गुणे 13 और बटा 100, 0 से 0 कैंसिल करो। अब देखो किससे कटने लायक है, ये तो 500 कट जाएगा, ये भी 500 कट जाएगा, तो 5 2 10 5 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ऊपर कितना बचा, ठीक है, यहां बचा 13 गुणे 5, तो कितना हो गया 13 गुणे 5 कितना होगा 13 5 65, और नीचे कितना बचा 2 65/2 हुआ। अब इसको काटे तो इसको पॉइंट में आएगा, तो कितना आएगा 2 3 6 और 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 1 बचा, फिर 0 बढ़ेगा 32.5%, तो इसका आंसर कितना होगा 32.5% होगा। तो प्रतिशत को हम ऐसे निकाल सकते हैं।